हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में विलयन क्या होता है इसके संबंध में पढ़ लिया और इसके बाद पढ़ा बच्चों कि सांद्रता क्या होती है और कुछ सांद्रता के हमने टर्म पढ़ लिए थे। आज हम उसे रिकॉल करते हुए एक बार देखेंगे, रिकॉल करेंगे और इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है बच्चों, आओ हम देख लेते हैं कि सबसे पहले बच्चों हमने पढ़ लिया था कि विलयन, तो विलयन क्या होता था, तो विलयन हमने बताया था विलयन जो है विलय और विलायक से मिलकर बना हुआ है। तो हमने बच्चों क्या बताया था आपको, जो विलयन है वह विलय और विलायक से मिलकर बना हुआ है। अब विलय क्या है बच्चों, जिसकी मात्रा कम होती है। विलय क्या है, वह पदार्थ जिसकी विलयन में मात्रा कम होती है, जिसकी विलयन में मात्रा कम होगी उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, विलय कहेंगे, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, विलायक कहेंगे। तो कहने का यही मतलब निकला था, विलय क्या था बच्चों, जिसकी कम मात्रा हो, और विलायक क्या था बच्चों, जिसकी ज़्यादा मात्रा हो, जिसकी ज़्यादा मात्रा हो। विलय क्या है, जिसकी कम मात्रा हो, और विलायक क्या है बच्चों, जिसकी ज़्यादा मात्रा हो, उसे हम क्या कहते हैं आपका, विलयन कहते हैं। एक चीज़ हमने ये देख लिया था और इसके बाद बच्चों हमने देखा था कि अवयवों के आधार पर विलयन के प्रकार। तो अवयवों के आधार पर विलयन आपकी बुक के हिसाब से तीन दिया है तो हम तीन ही जानेंगे। एक होता है बच्चों द्विअंगी विलयन, क्योंकि आप जानते हैं कि विलयन में कम से कम दो अवयव होना अनिवार्य है, तभी तो विलयन होगा। तो एक होगा द्विअंगी विलयन, जिसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो हमने कुछ विलयन पढ़ लिया था, जैसे कि द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। तो बच्चों द्विअंगी विलयन क्या है, वह विलयन जिसमें कितने अवयव हों, दो अवयव हों, कितने अवयव हों, दो अवयव हों, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, द्विअंगी विलयन कहेंगे। और इसके बाद पढ़ा था बच्चों हमने त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। तो त्रिअंगी विलयन क्या है बच्चों, त्रि मतलब क्या होता है, तीन। तो वह विलयन जिसमें कितने अवयव हों, तीन अवयव हों, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिअंगी विलयन कहेंगे। और इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था आपका चतुरंगी विलयन, तो चतुरंगी विलयन क्या पढ़ा बच्चों हमने, चतुरंगी विलयन, वह विलयन जिसमें अवयवों की संख्या कितने बच्चों, चार अवयव हों, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, चतुरंगी विलयन कहेंगे। तो ये दो चीज़ें हमने डिस्कशन कर लिया था। और बच्चों हमने क्या देखा था, सांद्रता। थर्ड पॉइंट में बच्चों देखा था आपका सांद्रता, कंसंट्रेशन क्या होती है। तो हमने बताया था जो आपकी सांद्रता है वह बताती है किसी भी विलयन में कितना आपने विलय घोल रखा है, किसी भी विलयन में आपने कितना विलय घोल रखा है वह बताती है आपकी सांद्रता। और सांद्रता के कुछ टर्मोलॉजी हम पढ़ लिए थे, जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, जैसे कि आयतन प्रतिशत क्या होता है बच्चों। और इसके बाद हमने पढ़ा था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, और इसके बाद हमने पढ़ा था मोलरता, और इसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों मोललता पढ़ा था। तो आओ इसे हम एक एक करके 60 टर्म में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या पढ़ा था, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत। और द्रव्यमान प्रतिशत का बच्चों क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बच्चों क्या होता है आपका, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, बटे विलयन का द्रव्यमान, और गुणे क्या होगा बच्चों, 100 होगा। तो ये क्या निकल, द्रव्यमान यहाँ से और प्रतिशत मतलब कि आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में चेंज आएगी बच्चों, परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। तो ये आपका क्या रहा, द्रव्यमान प्रतिशत रहा। और इसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा था आपका, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तो बच्चों आयतन प्रतिशत क्या होता था, हमने देख लिया था आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा बच्चों आपका, विलय का आयतन अपान विलयन का आयतन। तो बच्चों इसमें हमने क्या देखा था, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन, बटे बच्चों क्या देखा था हमने, विलयन का आयतन। और क्या है यहाँ पे देखिए बच्चों, परसेंटेज है तब सौ के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रहा आपका आयतन प्रतिशत। और इसके बाद बच्चों ने क्या देखा था आपका, थर्ड द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बच्चों क्या होता है इसके विषय में आओ हम जानें।
तो ऊपर क्या रखा है, यहाँ पर देखिए जो शब्द क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो ऊपर हम क्या रखेंगे, विलेय का द्रव्यमान रखेंगे बच्चों, और जो नीचे रखेंगे बटे में उसे हम क्या रखेंगे, आयतन है तो आप विलयन का आयतन रखेंगे। तो जो तीसरा टर्म निकला वो क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है बच्चों, क्या आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा बच्चों, तो ये क्या होगा, देखिए ये ऊपर देखिए आपको क्या लिखा है, यहाँ पर क्या आपका द्रव्यमान है और यहाँ पर क्या आयतन है, तो ये आपका क्या विलेय हो गया, विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का आयतन का जो अनुपात होगा, जो परसेंटेज निकलेगा वही क्या होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो आप लिखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, क्या बच्चों, विलेय का द्रव्यमान बटे आयतन है बच्चों, तो विलयन का, तो क्या रहेगा बच्चों आपको विलयन का आयतन, और बच्चों क्या है आपका परसेंटेज है, तो हम सौ का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टर्मोलॉजी हमने देख चुके थे, और इसके बाद कुछ और टर्मोलॉजी बच्चों हमने देखा था, जैसे कि आपकी मोलरता क्या होती है बच्चों, और जैसे आपकी मोललता क्या होती है, तो आओ इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों आपका जो मोलरता क्या थी, मोलरता तो हमने बताया था, मोलरता क्या बताती है, किसी भी विलयन में विलेय का कितने मोल हैं, किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या अगर आपको मालूम है तो वह बताएगी आपकी मोलरता। तो आपने क्या सीखा था, मोलरता बराबर क्या था बच्चों, मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, और मोलरता बराबर क्या है, विलेय के मोल, विलेय के मोल, विलयन में आपके कितने विलेय के मोल हैं, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन बच्चों, क्या था आपका विलयन का, विलयन का आयतन, और बच्चों जो विलयन का आयतन लेना है ना आपको किसमें लेना है, लीटर में लेना है। मोलरता बराबर क्या होती है बच्चों, विलेय के मोल अपान विलयन का आयतन होगा, और जो आयतन लेंगे बच्चों आप किसमें लेंगे, लीटर में लेंगे। अगर आपको यही चीज़ एमईएल में चेंज करना हुआ बच्चों तो आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे अगर एमईएल में आपको चेंज करना है तो विलेय के मोल, और आपको पता है अगर किसी चीज़ को हम एमईएल में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आप 1000 इसके अपान क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे बच्चों, और 1000 ऊपर जाएगा, हमने यहाँ पर 1000 डायरेक्टली लिख दिया आपका, 1000 बटे विलयन का आयतन, बटे क्या बच्चों, विलयन का आयतन, बटे क्या आपका विलयन का आयतन, ये बच्चों आपको क्या बता देगी, आपकी मोलरता बता देगी। अगर यहाँ से हम इसकी यूनिट देखना चाहें बच्चों, यूनिट क्या होगी और आपका मोल शब्द से क्या मतलब है, तो दोनों टर्मोलॉजी आओ हम देखें यहाँ पर। तो मोलरता की यदि बात करें मात्रक की, यदि इसके मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर देखिए विलेय के मोल लिखा हुआ है, तो मोल का मात्रक क्या होता है बच्चों, मोल का मात्रक क्या होता है, मोल ही होता है बच्चों, और विलयन के आयतन की मात्रक क्या है बच्चों, लीटर है। तो जो मात्रक निकल के आए बच्चों आपका क्या निकल के आए, मोल पर लीटर निकल के आए बच्चों। तो आपका जो मात्रक निकल के आए, क्या निकल के आए, मोल पर लीटर निकल के आए। तो ये क्या है आपकी मोलरता की मात्रक रही बच्चों। और मोलरता को कैसे डिनोट करेंगे, यम से डिनोट करेंगे, और यदि हम इसे संकेतन के रूप में लिखे तो यम बराबर क्या है, विलेय के मोल को हम किससे डिनोट करते हैं, यन से बच्चों डिनोट करते हैं, और आयतन को वीएल से, तो यन अपान वीएल जो रहा बच्चों ये क्या बताएगी आपकी मोलरता बताएगी, ये क्या बताएगी आपकी मोलरता बताएगी। तो और एक टर्मोलॉजी बच्चों हमने पढ़ा था, वो आपकी क्या थी, मोललता थी। आपको बता दें बच्चों जितने भी अभी हमने टर्म पढ़ा, चाहे मोलरता पढ़ा और चाहे जो प्रीवियस टर्म पढ़े, वो सब आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। लेकिन बच्चों एक रहस्य की बात बताएं, एक जानकारी की बात बताएं आपको, वो क्या है, आपकी मोललता है। मोललता जो होती है वह टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है, और क्यों नहीं करती है और उसको हम बताते हैं आपकी। तो आपको पता है कि जो मोललता होती है बच्चों, मोललता, मोललता को हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बच्चों, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और जो बच्चों आपकी मोललता होती है वह क्या होती है,
मोललता बराबर विलेय के मोल, मोललता बराबर क्या बच्चे विलेय के मोल और बच्चों विलायक का द्रव्यमान। अब वो क्या लेना होता है विलायक का द्रव्यमान, और जो द्रव्यमान किसमें लेंगे बच्चों आपका केजी मिलेंगे, किसमें लेंगे आपका हम केजी मिलेंगे। अच्छा ये बताइए अगर किसी चीज़ को आप गर्म करेंगे क्या उसका द्रव्यमान घट जाएगा, क्या उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा? नहीं बच्चों, द्रव्यमान तो ज्यों का त्यों बच्चों बना रहेगा। तो इसलिए आपका जो होता है मोललता टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगी बच्चों, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है। तो यदि इसके आप मात्रक को देखें, अगर इसके आप बच्चों आप मात्रक लिखेंगे तो मात्रक क्या निकल के आएगी मोल पर केजी आएगी बच्चों, और इसे संकेतन के रूप में बच्चों लिखोगे तो आपका यम है, अब यम इक्वल टू एन अपान डब्लू के जी विलेय का क्या है बच्चों, ये डब्लू के जी विलेय का क्या है बच्चों द्रव्यमान है। तो ये आपका दो फार्मूला निकल के आई और आपको मालूम होना चाहिए ये आप ताप पर ताप द्वारा विलायक का द्रव्यमान नहीं घटेगा, ताप द्वारा बच्चों विलायक का द्रव्यमान नहीं घटेगा, इसलिए मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है बच्चों। तो ये चीज़ें आप थोड़ा गौर से देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनीवन कैन आस्क टू यू व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट दैट मोलालिटी डज नॉट डिपेंड एट टेम्परेचर, सो यू हैव टू से दैट रीज़न। तो ये रहा आपका कारण जिसके द्वारा आप बता सकते हैं कि ये आपका कारण है। तो ठीक है बच्चों, अब हम आपका सबसे इम्पॉर्टेंट कह लीजिए, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपका बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, और ये भी बच्चों आपका वेरी इम्पॉर्टेंट है। चाहे ये क्वेश्चन और चाहे ये क्वेश्चन, आपके यहाँ से क्वेश्चन बना करके आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और जो आपका एग्जामिनर होगा वह भी बच्चों ये तो ज़रूर पूछ लेता है और ये भी पूछ लेता है, या तो दोनों का बताएगा कि अच्छा इसमें मोललता में और आपके मोललता में डिफरेंस क्या होती है। तो उस समय आपको ये दोनों तो पता होने चाहिए। और एक बात और बच्चों, अब आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं वह होता है आपका मोल प्रभास। मोल प्रभास को हम कहते हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन, और डिनोट करते हैं किससे बच्चों, काई सी एच आई से। तो आइए देखें बच्चों, अब हम आपका अध्ययन करेंगे, यहाँ पर जानेंगे कि आपका मोल प्रभास क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानिए बच्चों, जैसे हमने एक आपका वेसल लिया, एक हमने आपका क्या लिया, एक वेसल लिया, और इसमें आपका एक लिक्विड है, एक बच्चों क्या आपका लिक्विड है, और इस लिक्विड को हमने दे दिया नाम, क्या दे दिया बच्चों, ए नाम दे दिया, और एक लिक्विड को हमने यहाँ पर डाला जिसका नाम क्या बच्चों बी है, यहाँ पर हमने एक लिक्विड और डाला जिसका नाम क्या है बच्चों बी है। तो ये बच्चों ने दिखा दिया आपका लिक्विड क्या है बच्चों, आपका बी है। तो अब बी के जो मोल प्रभास हम क्या रहे बच्चों, आपका क्या है एन बी है, और ए का मोल प्रभास बच्चों हमने मान लिया कि आपका एन ए है। आपका ए का मोल प्रभास क्या है बच्चों, एन ए है। बी का मोल प्रभास क्या है, सॉरी ए का मोल क्या है बच्चों, एन ए है, और बी का मोल क्या है बच्चों, एन बी है। अगर आपसे कोई पूछे कि मोल प्रभास क्या होगा तो ध्यान दीजिए, किसी भी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का, किसी भी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभास जो होता है, मोल प्रभास क्या होता है, उस घटक के मोल और बटे कुल मोलों का, बटे कुल मोलों का योगफल का क्या होता है बच्चों, अनुपात होता है। जो मोल प्रभास होगा, जो बच्चों क्या होता है मोल प्रभास होता है, वह उस घटक के मोल और विलयन में उपस्थित सभी घटक के मोल प्रभास का क्या होता है, अनुपात होता है। तो
तो ये बातें आपको बहुत जरूरी जाननी है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए आपका काई भी, इसे एक्स भी आप कह सकते हैं और काई भी आप काई भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो जो बच्चों आपका काई भी आएगा वो क्या आएगा, आप देखिए एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। बाई दिस फार्मूला यू कैन से हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इन गिवन क्वेश्चन। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो अगर डिफिनेशन हम बताएं आपका मोल प्रभास का, तो बच्चों अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें, मोल प्रभास कहने का मतलब क्या है बच्चों, आपका मोल फ्रैक्शन। क्या मतलब बच्चों आपका मोल फ्रैक्शन मतलब है, तो मोल फ्रैक्शन बच्चों आपका क्या होता है, तो अभी हमने बताया किसी भी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज उसके मोल और कुल मोल का अनुपात होता है। तो आप लिख सकते हैं क्या बच्चों, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभास उस घटक के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों के योग का अनुपात होता है। और मोल प्रभाज को काई सी एच आई मोल प्रभाज को काई से प्रदर्शित करते हैं। मोल प्रभाज को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, काई से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा ये बताइए बच्चों, यहाँ पर आपके एक तो आपका क्या है मोल प्रभाज एक्स बी है, और यहाँ पर क्या है आपका एक मिनट बच्चों, ठीक है अगर यहाँ बच्चों आपका एक्स से लिखना चाहें तो एक्स से क्या लिखेंगे आपका बच्चों, एन ए बटे एन ए प्लस एन बी लिखेंगे बच्चों। अगर हम आपके यहाँ पर दो घटक देख रहे हैं, आपका एक घटक क्या है बच्चों एन ए है और एक घटक क्या है बच्चों आपका एन बी है। अगर एन ए के हम मोल प्रभाज देखें तो आपका क्या है एक्स ए इक्वल टू एन ए, ये बच्चों क्या आपका एन ए है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी इक्वल टू क्या है एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। अगर हम दोनों मोल प्रभाज का सम करें तो मतलब एक्स ए या काई ए, चाहे इसे एक्स ए पढ़िए और चाहे क्या पढ़िए काई ए पढ़िए, तो काई ए और काई बी अगर यदि हम सम करें बच्चों, काई ए का वैल्यू क्या है बताइए आप, यन ए क्या है बच्चों आपका यन ए बटे यन ए प्लस यन बी, क्या है बच्चों यन ए बटे यन ए, एक मिनट बच्चों क्या बच्चों आपका यन ए बटे यन ए प्लस एन बी। और बच्चों एक्स बी इक्वल टू क्या है देखिए यहाँ पर एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, क्या है आपका प्लस एन बी अपान एन ए प्लस क्या है बच्चों आपका एन बी है। अगर आप दोनों का सम करिए तो क्या है एन ए प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, देखिए क्या दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो आप कैंसिल हो गया तो क्या आ गया बच्चों इवन आ गया। तो कहने का क्या मतलब निकला, तो कहने का ये मतलब निकला बच्चों किसी भी विलयन में उपस्थित मोल प्रभाजों का योगफल कितना आता है बच्चों वन आता है। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आप इसे अपने दिमाग में रखें। तो नोट पॉइंट बना करके हम यहाँ आपको बता रहे हैं, तो क्या बता रहे बच्चों किसी विलयन में
उपस्थित किसी विलयन उपस्थित घटकों के मोल प्रभास का योगफल घटकों के मोल प्रभास का योगफल वन होता है। हमेशा क्या होता है बच्चों, वन होता है। इसलिए आप जानते रहिए, अगर इस विलयन की बात करें तो क्या होगा, काई ए प्लस काई बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वन होगा। अगर आपके दो से ज़्यादा है घटक तो आप लिख सकते हैं काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी प्लस डॉट डॉट इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वन होगा। तो इस फार्मूला से बच्चों हमें फायदा क्या होगा, तो इस फार्मूला से यह फायदा है बच्चों, यदि हम आपका एक घटक निकाल लें तो अगला घटक बच्चों बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और ठीक है बच्चों, और इस पर हम एक आपका सवाल करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ सर, थोड़ा खराब करें, ठीक है बच्चों। जैसा कि हमने कहा कि चलो इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, तो आपका हमने यहाँ पर क्वेश्चन लगा दिया है। आपका क्वेश्चन क्या है, एक मिश्रण में 12 ग्राम क्या बच्चों जल है, 108 ग्राम एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसका यदि हम अणुसूत्र देखें तो क्या होता है बच्चों आपका CH3COOH होता है। और इसका आयुपैक नेम क्या होता है, एथेनोइक एसिड होता है बच्चों। क्या होता है आपका, एथेनोइक अम्ल होता है बच्चों। का चिल्लाते हैं, तो ठीक है बच्चों, हमने कहा कि एसिटिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है CH3COOH होता है, इसको हम आयुपाई क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड कहते हैं। और इसकी जो ये सर्वथम किसे पाया गया, एस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों, सिरका होता है। क्या होता है बच्चों आपका, सिरका होता है। और ये रही पूरी कहानी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, दैट वी कैन से हियर CH3COOH वी आर सेइंग एथेनोइक एसिड। तो ये रीजन रहा बच्चों। तथा 92 ग्राम क्या है, एथेनॉल मिश्रित है। तो इस मिश्रण में जल के मूल प्रभाव की गणना कीजिए। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं, आपको केवल फार्मूला याद रखने की जरूरत है। तो मूल प्रभाव क्या होता है बच्चों, मूल प्रभाव बराबर क्या होता है, घटक के मूल अपान बच्चों कुल मूल। ये आप तो पढ़ चुके हैं कुल मूल। अच्छा ये बताइए बच्चों, किस घटक का आपको मूल प्रभाव निकालना है, तो जल के मूल प्रभाव निकालना है बच्चों। तो आप क्या लिखें, काई यश टू बराबर जल के मूल, तो यन यश टू अपान क्या क्या बच्चों, आपका जल है 12 ग्राम क्या है, जल है। तो आपको निकालना होगा जल के मूल निकालना होगा बच्चों। और प्लस एसिटिक अम्ल है बच्चों, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एसिटिक अम्ल का मूल आपको निकालना पड़ेगा बच्चों प्लस। और आगे क्या है बच्चों आपका, देखिए 92 ग्राम क्या है, एथेनॉल है। तो एथेनॉल का आपको क्या निकालना पड़ेगा, CH3OH मोल निकालना पड़ेगा। अब यही हम सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर बच्चों क्या मान लिया, एक मान लिया। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, तो ठीक है। अब NH2 हम बच्चों कैसे निकालेंगे आपका NH2, तो जल के मोल क्या होता है, किसी भी पदार्थ का आपको मोल निकालना हो बच्चों तो एक फार्मूला याद रखिए, मोल बराबर क्या होता है बच्चों, मोल बराबर क्या होता है, भार अपान मोलर द्रव्यमान। जितना आपका भार दिया है उसे ले लीजिए और क्या लीजिए बच्चों, मोलर द्रव्यमान। और अगर इसे आपने सॉल्व कर लिया तो आपको क्या निकल आएगा, मोल निकल आएगा। इसे हमने क्वेश्चन नंबर एक मान लिया, या काई एच टू या एक्स एच टू इक्वल टू एन एच टू बटे एन एच टू प्लस एन सी एच थ्री सी डबल ओ एच प्लस एन सी एच थ्री ओ एच होगा। तो सबसे पहले आपको एन एच टू निकालना होगा, मतलब जल का मोलर द्रव्यमान। तो जल का मोलर द्रव्यमान क्या है, देखिए जल का भार कितना है बच्चों, आप यहाँ पर देखिए भार लिखा सबसे पहले, तो भार देखिए जल का कितना है, 12 है, तो 12। और जल का मोलर द्रव्यमान कितना आता है बच्चों, यहाँ पर देखिए अगर कोई पूछे जल का मोलर द्रव्यमान क्या लिखेंगे, तो 2 × हाइड्रोजन का द्रव्यमान
और प्लस बच्चों ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ठीक है बच्चों। अच्छा ये बताइए कि हाइड्रोजन द्रव्यमान कितना होगा, वन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन कितना था बच्चों, इसे याद रखिए 1.008, लेकिन रखिएगा आप कितना, एक रखिए, जैसे कैलकुलेशन आप आसानी से कर सके। तो 2×1 बच्चों और ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो किसी भी अगर तत्व का द्रव्यमान याद करना है और उसकी परमाणु क्रमांक इवन है, सम है, तो दोगुना कर दीजिए। तो ऑक्सीजन का 8 होता है बच्चों, 8 का दोगुना करेंगे तो 16 हो गया। तो 2×2+16, तो 2×16 बराबर कितना गया बच्चों, 18 आ गया। तो इसे आप याद रखिएगा। अब इसका भी एक इसी टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका एथेनोइक अम्ल का क्या होगा बच्चों, एथेनोइक अम्ल का आपका क्या होगा, CH3COOH। अगर इसे हम संक्षिप्त रूप में लिखें तो कार्बन कितना है बच्चों, दो हैं, तो C2, तीन हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो H4, कितने ऑक्सीजन, दो, तो O2। तो देखिए इसका द्रव्यमान कितना होगा, दो कार्बन है, 2×कार्बन का द्रव्यमान, 2×कार्बन का द्रव्यमान प्लस 4×हाइड्रोजन का द्रव्यमान और प्लस 2×ऑक्सीजन का द्रव्यमान बच्चों। अच्छा ये बताइए, तो कार्बन का द्रव्यमान निकालना है, तो कार्बन, एक कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 6 होता है, और द्रव्यमान 12 हो गया, कितना हो गया आपका, 12 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बच्चों, तो 12 लिखेंगे और प्लस 4×1 और प्लस 2×, और ऑक्सीजन कितना बच्चों, 16 होता है, तो 16 हो गया, तो 12×2=24 प्लस 4 और 16×2 कितना बच्चों, 32 हो गया। तो जोड़िए इसे कितना निकलेगा, 4×2=6, 6×4=10 के जीरो हाथ में 1, 3×2=5=6, कितना गया बच्चों आपका, 60 आ गया। तो ये किसका द्रव्यमान है, आपका एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान है। और इसी प्रकार हम आपका कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, एक जो बचा हुआ है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं आपका यहाँ पर, क्या बच्चों, मेथेनॉल का, तो CH3OH, तो इसका क्या द्रव्यमान होगा, कार्बन का द्रव्यमान और प्लस हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो C कितने हाइड्रोजन है, 4 और O, तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, तो 12 होता है, तो 12 प्लस हाइड्रोजन द्रव्यमान 4 हो गया बच्चों, 4×1 करेंगे तो 4 आएगा, और इसका कितना होता है बच्चों आपका, 16 होता है। तो जोड़िए 12×4=16 और प्लस 16 बच्चों, तो कितना आ गया, 32 आ गया। तो मतलब मेथेनॉल का कितना है बच्चों आपका, 32 आया। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि हम कैलकुलेट करें जल का, तो 12×, कितना बच्चों, 18। अगर हम कैलकुलेट करें आपका एथेनोइक अम्ल का CH3COOH का, तो इसका कितना आएगा बच्चों आपका, इसका देखिए द्रव्यमान कितना दिया है, 108 दिया बच्चों, तो 108×, कितना बच्चों आप रखेंगे, 60। अगर इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, 6×9 सॉल्व कीजिए, 2×3, तो किसका आ गया, जल का आ गया। और इसका सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या रहा आपका, 5 आ गया और 4 आ गया, 3×0 इसे सॉल्व कीजिए, 2×2=4, 1×4 बचा, 2×7=14, 15। तो आज से सॉल्व कीजिए बच्चों, 3×9=27, 3×5=15, तो ये आ गया आपका। और यदि बच्चों आप मेथेनॉल का निकालेंगे CH3OH का, तो इसका द्रव्यमान बच्चों कितना दिया है, देखिए 92 दिया है, तो 92 रखिए, 92×, द्रव्यमान 32 आया, तो 32 रखिए बच्चों, तो कितना आ गया, 4×2=8, 1×2 तो 46/16 आ गया बच्चों। इसे काटेंगे, 2×2=4, 23/8 आ गया बच्चों, और ये आपका 23/8 आ गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे आप, देखिए
आप इसे सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं सॉल्व कर तो इसी फॉर्मेट में आप रख दीजिए, तो आप हमें यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं क्योंकि जगह बहुत कम है। तो तीन का यदि टेबल पढ़ेंगे तो तीन से जाएगा ना बच्चों, जीरो तो लग गया, जीरो पॉइंट लग गया, तो 20 हो गया, तो तीन छक 18, तीन छक 18, तो ये आगे इतने मोल आ गए। और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आएगा, पाँच से तो जाएगा नहीं बच्चों नौ में, तो यहाँ पर हम दसमलव लगा दिए, और दसमलव लगाते कितना हो गया, 90 हो गया आपका, सॉरी पाँच से जाएगा आपका, तो पाँच करना पाँच, तो चार बचा बच्चों, चार में से जाएगा नहीं तो दसमलव लगाए, तो चार जीरो हो गया, तो आपको पता है 535 548, तो 1.8 मोल इसका आ गया बच्चों। तो यहाँ पर देखिए अगर इसका हम सॉल्व करें तो क्या आएगा बच्चों, 8 दुनी 16, तो 2 आ गया बच्चों, तो 4 यहाँ पर बचा, 3 वहाँ बचा 7, और 7 बचा तो 7 तो जाएगा तो 10 मोल लगाइए बच्चों, तो 70 हो गया। तो आपको पता है कि 8 पे 40, 8 छः 48, और 8 पे 40, 8 छः 48, 8 से 56, और 8 ठाई 64, तो 2.8 मोल आ गया बच्चों, 2.8 मोल आ गया। तो ये आपके जो आए मोल आ गए, जल के मोल कितने हैं इतने हैं, इसके मोल कितने बच्चों इतने हैं, और इसके मोल कितने बच्चों इतने हैं। तो यहाँ पर हम आपका मिटा रहे हैं, और यहाँ पर आपके क्वेश्चन को हम हल करेंगे। जो आपका काई एस टू ओ चाहिए बच्चों, तो जल के मोल कितने हैं 0.66 अपान, और कुल मोल कितने बच्चों 0.66 प्लस 1.8 प्लस 2.8 और इसे आप सॉल्व कीजिए तो 0.66 और इसे जोड़िए बच्चों। देखिए आप इसे जोड़ेंगे तो कुछ लोगों को तो ये एडिशन करने नहीं आएगा, हमें भी पता है, तो आप थोड़ा गौर से देखिए आ जाएगा। हमेशा आप दसमलव के नीचे दसमलव रखिए बच्चों, हमेशा दसमलव के नीचे आप दसमलव रखिए, तो आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए 0.66 है बच्चों, तो दसमलव यहाँ पर रख दिए, दसमलव पहले एक अंक है तो 1 रखा, यहाँ पर 8 रखा, और यहाँ पर देखिए बच्चों फिर दसमलव रखिए, 2 आगे है, और फिर क्या 8 है तो 8 रखिए, और इसे आप जोड़िए बच्चों, तो जोड़ेंगे तो 6 आ गया, तो 8 कितना हो गया बच्चों 16 हो गया, और 16 कितना हो गया बच्चों 16 कितना हो गया बच्चों 22 हो गया, कि दो हाथ में एक, दसमलव का दसमलव रहा, 2 1 3 1 4, तो इतना आ गया बच्चों, तो अपान 4.26, तो ये आ गया। और इसे आप सॉल्व करेंगे दसमलव से दसमलव अगर कैंसिल हो गया तो कितना आ गया बच्चों, तो 66/426 आ गया, और 66/426 को बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 से देखिए बच्चों कट रहा है आपका, तो 2 से कैंसिल कीजिए, तो कितना आएगा आपका 2 3 6, और 2 3 6, और 2 2 4, 2 1 2 2 3 6, इतना आ गया। अगर आप देखेंगे क्या आपका और किसी से कटेगा, 11 देखिए 11 3 33, और 11 1 11, तो 10 बचा बच्चों, और 10 बचा तो 103 तो नहीं कटेगा, तो मतलब ये आ गया, अब आपको भाग देना पड़ेगा, तो 213/33, तो जाएगा बच्चों नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया, तो एक बार गया 213 आ गया, तो घटाइए इसे 10 में से, 3 गया 7 आ गया बच्चों, और 3 बचा कि 2 बचा ना, हाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, और 3 में से 2 गया बच्चों 1 आ गया, क्या जा रहा है नहीं, तो दसमलव आपने लिया है तो 10 आ गया। अब इसे ले जाएंगे तो कितना आएगा लगभग, तो 213 है बच्चों, तो 4 बार ले जा सकते हैं, 4 बार ले जा सकते हो तो ले जाइए, 4 3 12 का 2 हाथ में 1, और 4 4 4 1 5, और 4 2 8, एक मिनट आपका 1170, तो आप 5 वाले जाइए बच्चों, 5 वाले जाइए, तो 5 3 15 5 हाथ में 1, 5 5 5 5 1 6, और 5 2 10, तो इतना आ गया बच्चों। ऐसे सॉल्व कीजिए 10 में से 5 गए 5 7 था बच्चों, 1 दे दिया, अच्छा बच्चों 6 में से 6 गया 0, और 1 है यहाँ पे बच्चों ना, कितना है 1 है, और 1 में से 0 घटाएंगे कितना है बच्चों 1, और ये क्या आ गया कैंसिल हो गया 105 आ गया। तो ये क्या आ गया आपका जो काई यस टू निकला बच्चों, कितना निकला 0.15 निकला। और क्या इसके कोई यूनिट होती है बच्चों, तो आप देख रहे हैं ऊपर भी मोल और नीचे भी
मोल, तो मोल से मोल कैंसिल हो गया, तो इसकी यूनिट है लेस है। तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल बच्चों, और इसे आप इस टाइप के न्यूमेरिकल या यही न्यूमेरिकल हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसे लगा कर जाइए, क्योंकि यहाँ से आपके हो सकते हैं न्यूमेरिकल बने, और आप इसे लगा कर जाएंगे तो ये आपका एक दो नंबर का क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और देख रहे, कोई भी टिटिम्बा करने की जरूरत नहीं है, कोई की मशक्कत करने की जरूरत नहीं, बहुत ही सरल और सुविधाजनक है। इट इज़ टू मच इजी, इफ यू वांट टू सॉल्व तो यू कैन इजली कंप्लीट इट बच्चों। तो नाउ वी आर कमिंग योर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द सेल्युबिलिटी, और सेल्युबिलिटी पर अलग अलग कारकों का प्रभाव देखेंगे। बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हों कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा, क्योंकि आप हम देख रहे हैं, क्योंकि आप एक भी क्वेश्चन पूछते ही नहीं, पढ़ लेते हैं तो ऐसा है कि डाउट ही नहीं आ रहे हो, या तो डाउट्स आ रहे हैं आप शर्मा रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। और डाउट्स आ रहे तो ज़रूर पूछिए, आपके डाउट्स का सल्यूशन अगले दिन जरूर कराया जाएगा बच्चों। तो इसलिए तब तक के लिए गुड बाय, ऑल दी बेस्ट।